माध वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, सदा रुख करांगे। मेयर है चंडीगढ़ में, हमारा मेयर है, एमसीडी हमारे पास है, 7 हमारे राज्यसभा के पंजाब से हैं, 3 हमारे दिल्ली से हैं। तो एक बहुत अच्छी हाजिरी लोकतंत्र के सभी संस्थाओं में हमारी है। तो आम आदमी पार्टी ने फैसला किया है कि आने वाले दिनों में हरियाणा में इलेक्शन आ रही है, तो आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से हरियाणा की इलेक्शन लड़ेगी विधानसभा की, क्योंकि दिल्ली में हमारी सरकार है, पंजाब में हमारी सरकार है, आधा हरियाणा पंजाब से टच करता है, आधा हरियाणा दिल्ली से टच करता है। तो हरियाणा के लोग, जब भी हम इससे पहले भी रोहतक गए, टोहाना गए, जींद गए, सोनीपत गए, तो लोगों ने हमसे ये आग्रह किया कि आप हरियाणा में क्यों नहीं आते, हम हरियाणा में भी बदलाव चाहते हैं, क्योंकि हरियाणा ने हर एक पार्टी को टाइम दे दिया, हर एक पार्टी को, नॉट ओनली बीजेपी एंड कांग्रेस, लोकल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टियों को भी टाइम दिया, लेकिन किसी ने भी हरियाणा के लोगों के साथ वफा नहीं की। जो भी आया उसने लूटा। तो हरियाणा के लोग जो हैं वो बदलाव चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि केजरीवाल साहब हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो उनको ये भी अपने आप में मान महसूस होता है कि हमारा बंदा दिल्ली जाके और पूरे देश की राजनीति को बदल दिया। तो इस हरियाणा के इस लॉन्चिंग का आज पहला दिन है, आपके पीछे भी लिखा हुआ है, बदलेंगे हरियाणा का हाल, अब लाएंगे केजरीवाल। तो पूरी ताकत से हमने चुनाव लड़ना है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कल्चर मिलता है पंजाब का, दिल्ली का, हरियाणा से कल्चर मिलता है। तो कुछ लोगों को दिल्ली के काम पता है और कुछ लोगों को पंजाब के काम पता है, क्योंकि ये टोहाना, जाखल, ये पूरा हरियाणा डबली तक वो हमारे पंजाब से टच करता है, रतिया, फतेहाबाद, कैथल, तो ये पूरा पंजाब ही है, रिश्तेदारियां भी हैं, है ना, मैं वही तो कह रहा हूं। तो रिश्तेदारियां भी हैं, थोड़ा इजी रहेगा, और रिश्तेदारी भी ऐसी है कि मेहनत उनको करनी पड़ेगी। तो हम लोग बड़े खुश हैं इस बात से कि हमारी पार्टी जो है वो डे बाय डे कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनाव होता है, तो आम आदमी पार्टी जो है लड़ेगी। अभी जलंधर बड़े मार्जिन से जीते, 60% के लगभग 60% वोट पड़े, जो आमतौर पे बाई इलेक्शन में होता नहीं है ऐसा। तो यहाँ भी हमने, लोकसभा में भी हमने 3 ऐसे, संगरूर हमारा जो 2.25 लाख से हमने संगरूर जीता, होशियारपुर हमने बीजेपी से सीट जो है वो हमने छीन ली, और अनंतपुर साहब हमारी नई सीट है, और तीनों हमारे बहुत अच्छे बुला रहे हैं, ऑलरेडी उन्होंने पहले सेशन में बोल के अपना आग्रह, अपनी पहचान बना ली है। तो मुख्यमंत्री पंजाब होने के नाते मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं जहाँ भी मेरी ड्यूटी लगती है पूरे देश में मैं प्रचार करने भी जाऊँगा, जहाँ भी, क्योंकि आधा हरियाणा तो पंजाबी बोलता है, तो गुजरात भी गए, मध्य प्रदेश भी गए, दिल्ली में भी गए, तो जहाँ भी ड्यूटी लगेगी, छत्तीसगढ़ में भी गए, रांची में हमने बहुत बड़ी सभा की, तो जहाँ भी ड्यूटी लगेगी हम पूरी ताकत के साथ एक टीम बना के लड़ेंगे। और ये हमें आता है, ये हमने साबित कर दिया कई बार कि हमारी टीम जो है बहुत अच्छी है, और एक टीम के रूप में हम लड़ते हैं। अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे, क्योंकि
राज्यसभा के मेंबर हैं और हमारे राज्यसभा में इनके भाषण जो हैं उनको देख देख के बहुत बड़े बड़े नेताओं को पसीने आ जाते हैं। बहुत अच्छे वक्ता हैं और हमारी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं। संजय सिंह जी कुछ और डिटेल इसके बारे में बता दें। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। मुख्यमंत्री जी ने अभी ऐलान किया कि पूरी हरियाणा के अंदर मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने ये निर्णय क्यों लिया? सभी पार्टियों का शासन आप लोगों ने देखा और पिछले 10 साल से हरियाणा में डबल इंजन की सरकार चल रही है, और ये मेरे शब्द नहीं है, प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं। प्रधानमंत्री जी के एक इंजन तो बदल दिया सर। हाँ, वो बीच बीच में रिपेयरिंग करते रहते हैं। अब तीसरा इंजन आ गया है। उनको कभी कभी इंजन खराब हो जाता है, चेंज करना पड़ता है। तो प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि डबल इंजन की सरकार चल रही है। 10 साल में इस डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा को क्या दिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आज फिरौती का उद्योग बन गया है हरियाणा के अंदर। हरियाणा के सड़कों पे हमने लाठियां चलते हुए देखी। हरियाणा के किसानों को किस तरीके से आंदोलन में कुचला गया ये हमने देखा। पंजाब हरियाणा के किसानों की मांगों को किस तरीके से रौंदा गया ये हमने देखा। हरियाणा में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। आप किसी भी गांव में चले जाइए, 2-4 शहीदों का परिवार मिल जाएगा, बड़ा सा गेट मिल जाएगा किसी शहीद के नाम पे। और आप अग्निवीर जैसी योजना लेके आ रहे हैं। पंजाब के हरियाणा के नौजवान सेना में भर्ती होके गर्व महसूस करते हैं कि हम भारत माता की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं। आपने भारत की सेना को ठेके पे कर दिया। भारत की सेना ठेके पे चलेगी? 4 साल की ठेके की नौकरी। मैं समझता हूं ये भारत की सेना का अपमान है, और हरियाणा के जो नौजवान गर्व के साथ सेना में भर्ती होते हैं उनका भी अपमान है, और जिन्होंने अपनी शहादत दी है उनका भी अपमान है। अग्निवीर योजना इस देश के साथ धोखा है, वो वापस होना चाहिए। ये हमारा इस चुनाव में भी मुद्दा होगा। किसानों के फसल के दाम का मुद्दा, उसकी जब भी मांग करने जाता है किसान उसको लाठियां मिलती है। बेरोजगारी का मुद्दा, आज हरियाणा को किस हालत में पहुंचा दिया गया है ये किसी से छिपा नहीं है। और फिरौती उद्योग चल रहा है, जगह जगह आपने देखा इनेलो के नेता प्रदेश अध्यक्ष की हत्या हो गई। आज आम आदमी पार्टी से एक उम्मीद है लोगों को, क्योंकि हमने दिल्ली में 3 बार केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री के तौर पे काम करके दिखाया। पंजाब में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने अपने 2 साल के सफर में काम करके दिखाया। 43,000 नौकरियां दी, 43,000 नौकरियां, और 1 भी रुपए की रिश्वत का मामला कहीं नहीं सुनेंगे, कहीं भी पेपर लीक का मामला नहीं सुनेंगे। दिल्ली का मॉडल आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन रहा है। अरविंद केजरीवाल का मॉडल, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बिजली का, पानी का, बुजुर्गों की तीर्थयात्रा का, अनुकरणीय काम करके हमने दिखाया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो कहती है हमें केजरीवाल का स्कूल देखना है, ये हमने करके दिखाया। तो एक बहुत अच्छा नारा अपने बेटे अपने लाल के लिए हरियाणा की जनता ने दिया है, बदलेंगे हरियाणा का हाल, अब लाएंगे केजरीवाल। तो इस नारे के साथ हम लोग पूरे जोर शोर के साथ चुनाव में उतरेंगे, और जो हालत इस समय देश की कर रखी है बीजेपी ने, खट्टर साहब का इंजन बदल के सैनी साहब का इंजन लेके आए हैं, लेकिन जनता बहुत होशियार है, वो सब जानती है, वो इनको इस चुनाव में जवाब देगी।
हरियाणा के अंदर सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। अब हमारे जो संगठन के महामंत्री हैं संदीप पाठक जी, वो संगठन के बारे में और बाकी चीज़ें विस्तार से आपको बताएंगे। अगर किसी के मन में भी ये संदेह है कि आम आदमी पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी हरियाणा में, तो हमेशा के लिए मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी ऐसा चुनाव लड़ेगी हरियाणा में कि दुनिया देखेगी। आज से पहले तक ऐसा द्वंद न कभी हुआ होगा और ना ही शायद कभी होगा। आम आदमी पार्टी सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ेगी, हर सीट पर चुनाव लड़ेगी, हर बूथ पर चुनाव लड़ेगी, पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 6,650 ऐसे गांव हैं जहां पर हमारी छोटी 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 सभाएं, मीटिंग, जिसको हम बदलाव जनसंवाद कहते हैं, लगभग 6,650 गांवों में बदलाव जनसंवाद हो चुका है। और इन छोटी छोटी जनसंवाद में एक ही चीज निकल के आ रही, बदलाव बदलाव बदलाव। जनता यही कह रही है बार बार कि भाई कैसे भी करो इस बार बदलाव लेकर